तो फिर हम उस रंग के रंग में रंगे जाते हैं, और जो उस रंग में रंगा गया उसको ही अनुभव होता है कि रूहानियत का रास्ता क्या। अब अगर आपको प्यास लगी हो और कोई आपको पानी के ऊपर एक किताब दे दे, 500 पेजों की किताब, उसमें लिखा है जी पानी कैसे आता है, बर्फ पिघलती है पानी आता है, पहाड़ों से पानी आता है, समंदर में पानी है, दरिया में पानी है, फूल में पानी है, घरों में नलकों में पानी आता है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी होंगी कि ये तो दो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, एक एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, H2O से बना हो, जब ये गैसें जुड़ती हैं तो पानी बन जाता है। फिर और तरीका लिखा होगा, इससे ये होता है, इससे ये सफाई होती है, इससे होता है। तो अगर आप सारी किताब पढ़ लें तो आपके क्या जो थर्स्ट है, जो प्यास है, वो हटेगी नहीं। तो हटेगी कैसे? जब आप पानी का एक गिलास पियोगे। रूहानियत का रास्ता भी वैसा ही है, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सुन सकते हैं, लेकिन जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये क्या है हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम भजन अभ्यास करें। भजन अभ्यास का क्या मतलब? इस शरीर में अपने साथ एक्सपेरिमेंट करें, जैसे साइंटिस्ट लैबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक चीज लेते हैं, उसको दूसरी में जोड़ते हैं, सोचते हैं तीसरी चीज आ गई। ऐसे ही हमें शरीर में अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करें, देखें जो हमारी रूह है उससे क्या होता है। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, रूह की जानकारी पाएंगे, उसका हमें कुछ अनुभव होगा, तब हमें यकीन होगा कि इस शरीर में कोई ताकत है। जब उसकी उड़ान होगी, जब हमें मदद मिलेगी, तो फिर हम असलियत क्या है उसकी जानकारी पाएंगे। अब जो पांच इंद्रियां, देखने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श की, इनके जरिए ध्यान बाहर जा रहा है। प्रभु ने एक यहां दसवां द्वार दिया हुआ है, जिसे शिव नेत्र कहा गया, दसवां द्वार कहा, सिंगल एंड थर्ड आई कहा है, जहां से रूह अंदर के मंडलों में उड़ान करती है। जब ध्यान इस ओर टिकाते हैं तो असलियत की जानकारी हमें होनी शुरू हो जाती है। एक शांत जगह ढूंढें जहां शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय आसानी से अंदर को खिंच जाएगी। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, चाहे हजारों की तादाद में बैठे हो, देखिए शरीर का ऐसा किसी और को नहीं लग रहा, तो जो स्पर्श की इंद्रिया वो भी अंदर को खिंच जाएगी। हम कहीं भी अभ्यास के लिए बैठ सकते हैं। हम सोचते हैं कि सारी धरती प्रभु ने बनाई है, सब पवित्र, जहां मर्जी अभ्यास करो, और इसलिए कोई अगरबत्ती जलाना या एटमोसफेयर को रिलीजियस करना उसकी जरूरत नहीं, ताकि सुनने की इंद्रिया आसानी से खिंच जाए। जब हम ध्यान टिकाएंगे, खाएं पिएंगे नहीं, चखने की इंद्रिया आसानी से खिंचगी, आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी खिंचगी। तो एक शांत जगह ढूंढ के बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो पांचों इंद्रियां बड़ी आसानी से हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। आप देखिए कि जब आप आंखें बंद करें, जो आंखों के डेले इनको सीधा रखिएगा और इनको ऊपर करेंगे। कई लोग सोचते हैं शिव नेत्र यहां है, आंखों को ऊपर करते हैं जल्दी को दिखाई देगा। हमें समझना है कि जो दो आंखें हैं ये फ्लैश और ब्लड की, इनका काम सिर्फ यह है कि जो बाहर दिख रहा है उसका, जो कुछ भी दिख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो रेटिना पीछे उसमें दें, वहां से फिर वो हमारे ब्रेन को, दिमाग को इन्फॉर्मेशन जाती है, जो दिखते ही इन्फॉर्मेशन है क्या, फिर उस लिहाज से वो बाकी शरीर के हिस्सों को ऑर्डर करता है, तुम ये करो, तुम ये करो। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और जिस सड़क पे आप ड्राइव कर रहे, सामने से कार आ रही है आपके सामने, तो एकदम जब आंखें देखेंगे उसका दिमाग पे जगह, ये कार आ रही है सामने, दिमाग सोचा वो कार है तो एक्सीडेंट हो जाएगा वो। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हाथों को वो कहेगा, हाँ जी आप कार इस तरफ ले जाओ ताकि आपकी टक्कर ना हो। तो इनका खाली पर्पज है बाहर की चीजें देखना। हम बंद इसलिए करते हैं कि बाहर की चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इनको ऊपर करेंगे, माथे पे जोड़ पड़ेगा, हमें सिर दर्द हो सकता है, तो इनको आप बिल्कुल सीधा रखिएगा। आंखें बंद करते होता क्या है कि हमें कोई ना कोई विचार आ जाता है। विचार चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कल क्या किया उसका हो, चाहे कल क्या करना है उसका हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी और पॉलिटिक्स का हो, कोई भी विचार हो,
कोई भी विचार आया नहीं तो ध्यान उस विचार में चला जाता है। महाप्रभु समझाते हैं कि विचार मन से आते हैं, मन नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन नहीं चाहता हम प्रभु को, मन चाहता हम जो 80 लाख जिया जी उनके साथ जुड़े रहें। तो विचारों के जरिए हमारे ध्यान को भंग कर देते हैं। तो हम ने प्रभु को पाना है तो मन से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि मन बहुत ताकतवर है। तो मन का हम इस्तेमाल करते हैं, मन को हम प्रभु की ओर करते हैं, हम प्रभु को जानना चाहते हैं, तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाएगा, और मन में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि हमें विचार भेज सके, तो उस स्टेट में हम देखेंगे कि यहाँ अंधेरे में सामने में रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। रोशनी में तरह तरह की दिखाई दे सकती है, सुनहरे रंग की, लाल रंग की, पीला, नीला, हरा, जामनी, स्लेटी या कोई रंग, जो कुछ भी हमें दिखता है हम बड़े ध्यान से उसके बीच में देखें। शुरू में तो ऐसा लगता है रोशनी आके जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। वो क्या रहा है कि जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। समय के साथ साथ जैसे आपका ध्यान और टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगना शुरू हो जाता है कि जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं, फिर रोशनियों के आगे निकल जाएंगे आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत सी चीज़ें आपको अंदर में दिखने को मिलेंगी। अब जब आपको ऐसा अनुभव होता है तो आपको यकीन होता है कि कुछ और भी है। कोई आपके आंखों में तो टॉर्च मार नहीं रहा अलग अलग रंगों की, नहीं आप खाली सोच रहे हैं कि मुझे दिख रहा है। तो इसका अनुभव जिस जिसको होता है उसका यकीन कि हमारी आत्मा है, उसका अनुभव किया जाता होना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ने स्कूल में जाते हैं, ऐसे रूहानियत के रास्ते की जानकारी पाने के लिए हम किसी सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं। कबीर साहब ने फरमाया कि सदगुरु कैसा होना चाहिए, किस, जैसे स्कूल में जाओ तो नर्स स्कूल के भी टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल के भी टीचर्स हैं, हाई स्कूल के भी टीचर हैं, कॉलेज के भी प्रोफेसर हैं, तो सिस्टम बनाए यही यही ऐसे आप ऊपर जाओ। रूहानियत के रास्ते में जानकारी कैसे पाए कि किस गुरु के पास जाएं, किस किस्म के हम डायरेक्शन पाए, तो हम महापुरुषों के लफ्जों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कबीर साहब जी ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, फरमाते हैं कि साधो सो सतगुरु मोहे भावे, सत नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहे प्यावे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे कौन सा सतगुरु पसंद है, कैसा गुरु मुझे चाहिए कि साधो सो सतगुरु मोहे भावे, कि मुझे इस किस्म का सतगुरु चाहिए, कैसा कि सत नाम का भर भर प्याला, कि सत नाम जिसे नाम कहा गया, जिसे शब्द कहा गया, जिसे कलमा कहा गया, जिसे लाइन साउंड ऑफ गॉड कहा गया, क्रिएटिव पावर कहा गया, जो कण कण में समाई है, कि सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोए प्यावे, कि ऐसा सदगुरु चाहिए जो प्रभु के नाम की खुद मस्ती में हो, जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो, उसके साथ जुड़े होते हुए वो शब्द क्या है उसकी जानकारी मुझे भी दे दे। तो जिसे नाम की देन कहते हैं वो क्या है कि हमारे सदगुरु अपनी थोड़ी सी तवज्जो हमें देते हैं ताकि शिव नेत्र जो हमारा है, जो दसम द्वार है, जो बंद है, वो खुल जाए और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाएं। और जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमारी हालत कुछ ऐसी होती है, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक अपने शेर में फरमाया, कहते हैं मिली वो मैं कि मैं सरसार हो गया साके, मिली वो मैं कि मैं सरसार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। कि जब उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती है, जब नाम के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमें ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे अंग संग हमारे भीतर हैं, और जैसे प्रभु हमारे भीतर हैं ऐसे प्रभु औरों के भी भीतर हैं। कि मिली वो मैं कि मैं सरसार हो गया साकी, कि जब नाम के साथ हम जुड़ते हैं तो जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, अंधेरा दूर हो गया,
रोशनी रोशनी हो गई। रोशनी हर समय है, हमें दिखाई नहीं देती। अब जिस दिन बादल आ जाते हैं उस दिन कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप हवाई जहाज में फ्लाई कर रहे हो तो आप जब बादलों के पास जाते हो सूर्य तो वहां पर है, लेकिन बादलों ने आके उसे रोक दिया, हम सोचते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमें दिखते क्यों नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। हमारे अंदर इतनी रोशनी है, जैसे ये बड़े बड़े लैंप लगे हुए हैं, इनसे करोड़ों टाइम ज्यादा रोशनी है। इनके ऊपर अगर चार मोटे मोटे कंबल पड़े होंगे तो कोई रोशनी दिखेगी, वही हालत हमारी है। हम अपने आप को सही रूप में जानते नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं। सबसे पहले पिंडी शरीर, पंजाबी में शरीर को पिंड कहते हैं, फिर अंडी शरीर, फिर ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंडी, तो चार मोटी मोटी कवरिंग हमारी आत्मा के ऊपर है। तो जो रूहानियत की जानकारी का तरीका है, जो अभ्यास का तरीका है, जो अध्यात्म का तरीका है, वह एक एक करके इन शरीरों को हटाना, जिसे जीते जी मरने की विद्या का, इसको कहते हैं राइजिंग अबव फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस, कि ये जो हमारी शारीरिक ध्यान है इससे ऊपर उठना। और जब ऊपर उठेंगे तो अंदर की दुनिया का जब अनुभव करेंगे तो यकीन होगा कि अंदर कुछ है, और पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए अपने सदगुरु की मदद से हम पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, वहां से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड में पहुंचकर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकते हैं। कितना ध्यान हम उस ओर देते हैं, इस दुनिया की बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो हमें दुनिया की ओर खींचते हैं, और माया की दुनिया में इंसान आसानी से फंस जाता है। अगर हम हिम्मत करेंगे, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे, तो हम उसे जरूर पाएंगे। सबसे पहले तो उनसे प्रेम करना है। हर एक धर्मग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो सच्चा प्रेम हम सब पिता परमेश्वर से कर सकते हैं। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, जब उनके प्रेम की हम को अनुभव नहीं करते तो उसमें कमजोरी हमारी या उनकी नहीं। हम हर पल हर क्षण उनके सहारे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो हमारे भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं, उनके हाथ ने हमें संभाला हुआ है। हम सोचते हैं कि शायद मुश्किलें आ गई तो प्रभु ने हमारा हाथ छोड़ दिया, लेकिन पिता परमेश्वर हर पल हर संग हमारे साथ हैं। उसका अनुभव जो इंसान करता है वो अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और जिस इंसान का ध्यान सिर्फ दुनिया की चीजों में है वो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर इस धरती से चला जाएगा। हर एक इंसान नी रूप में जब आत्मा आती है, इस वक्त 7 बिलियन लोग रह रहे हैं धरती पर, तो हर एक जीव में आत्मा है, और प्रभु ने वो ताकत दी है ताकि हम अपने आप को जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन कहा गया। अपने आप को जानना का मतलब है कि हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक रूह है, एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है, वो ये हमारा असली रूप है। और उस आत्मा को चंद क्षण मिले शरीर में होने के, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन इस शरीर को हमने सबने छोड़ना है। चाहे हम किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हों, चाहे हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हों, चाहे हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, चाहे कुछ भी हमारी जानकारी दुनिया की हो, एक न एक दिन इस शरीर को हम सबको छोड़ना है। उस समय ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना था, ना ही पूछा जाएगा तुम्हारा घर कितना बड़ा था, ना ही पूछा जाएगा कि तुमने प्रॉपर्टीज कितनी बनाई। तो पूछा क्या जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे की, किसी को प्रेम किया, किसी की मदद की, किसी के जिंदगी में कुछ खुशी लाए। इन चीजों पर ही निर्भर होगा कि आगे हमारे साथ क्या होना है। यही कर्म है, हर पल हर क्षण
हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, उनसे कर्म बनते हैं। जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो अच्छे कर्म बनते हैं। जब बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं, बुरे कर्म बनते हैं। और वो कर्म हमारे जुड़ते चले जाते हैं। उनको जो सबसे बड़ा संग्रह कर्म, उनको संचित कर्म कहा जाता है। उनमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रलाप कर्म कहते हैं, जो इस जिंदगी में हमने झेलने हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे गरीब आदमी उसकी लॉटरी निकल आई, क्यों निकल आई किसको समझ में नहीं है। कोई नौजवान है, बड़ा अच्छा इंसान, कार में जाता है उसके एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, क्यों समझ के बाहर है। कोई बहुत अमीर इंसान है, एकदम से कुछ उसकी लाइफ में होता है, उसके काम काज है वो खत्म हो जाते हैं, क्यों उसको किसी को समझ में नहीं आती। तो कई चीजें हैं जो कर्मों करके हमारी जिंदगी में होनी है। और फिर रोजाना हम कर्म करते हैं, रोजाना सोचते हैं, रोजाना बोलते हैं, रोजाना कार्य करते हैं, इनको क्रियमान कर्म कहा गया। तो कर्म तीन किस्म के होते हैं। तो जब तक ये कर्म हमारे आत्मा के साथ खत्म नहीं होंगे, तब तक 84 लाख जिया जून में हमें चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि वो कार्य करो जिन्हें नेक कर्म कहा गया। नेक कर्म का मतलब है कि कोई भी कर्म नहीं हो रहा, वो कौन सा समय है। एक तो जब हम अभ्यास कर रहे हो सही तरीके से, तब ना कोई सोच होनी चाहिए, ना बोल होनी चाहिए, ना कोई कार्य होगा, कोई कर्म नहीं बनेंगे। जब हम सत्संगों में जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान अपने सदगुरु के सत्संग में हो, उसमें और कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई बोल नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, वो भी नेक कर्म का समय है। और फिर महापुरुष ये भी समझाते हैं कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारी मदद करेंगे। हम उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिल कर रहा है, हमें पता है वो तकलीफ में, और प्रभु ने हमें देन दी कि हम मदद कर सकते हैं। चाहे हम दिमागी रूप से मदद करें, शारीरिक रूप से मदद करें, किसी और रूप से मदद करें। तो जब हम किसी की मदद करते हैं जिसमें कि हमारे अंदर कोई ऐसे विचार ना हो कि हमें इसके लिए कुछ वो मदद करेंगे, तो वो निष्काम होती है। तो उस समय महापुरुष कहते हैं कि कर्म हमारे बनते नहीं। और जितने कर्म करते चले जाएंगे, क्योंकि जिंदगी जब जिएंगे तो प्रलब कर्म हमारे जिंदगी में झलते चल जाएंगे। तो नाम इंसान क्यों लेता है कि नाम दान के दिन हमारे सदगुरु जो हमारे संचित कर्म है, जो सबसे बड़े कर्म है, उनका नाश कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जो प्रलब कर्म है वो हमारी जिंदगी में झलेंगे, उसमें हमें मदद मिलती है, कोई बहुत मुसीबत आनी है उसमें थोड़ा आराम से चीजें हो जाती हैं। और क्रियामान कर्म जो हम रोजाना करते हैं, हमें समझाया जाता है कि रोजाना भजन अभ्यास करें, ताकि जो दिन के कर्म कटे उसी दिन ही अभ्यास करके कट जाएं, ताकि जब मौत के समय पर पहुंचे तो हमारे संचित कर्म भी कट गए, प्रलब कर्म भी कट गए, क्रियामान कर्म भी कट गए, तो तब हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाते हैं। और हम में से हर एक ये कर सकता है, ये बार 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 महापुरुष समझाते हैं। बुल्ले शाह को उनके गुरु इनायत शाह ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि प्रभु को कैसे पाए, तो उनका साइंदा की पावना इधर उठना तो लावना के पिता परमेश्वर को पाना मुश्किल क्या काम है, ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के यहाँ पे लगाओ। और जिसने ध्यान यहाँ शिव नेत्र पर टिका लिया, वो इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर को जरूर जान लेगा और उससे एक मेक हो सकेगा।